बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में जो है वो हम कंटेंट आईडी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जी कंटेंट आईडी क्या होता है, कंटेंट आईडी हमें कैसे मिलेगी, कंटेंट आईडी के क्या फायदे हैं, दो तरीके आपको ऐसे बताऊंगा जिससे जो है वो आप कंटेंट आईडी ले सकेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस सबसे पहले जी कंटेंट आईडी क्या होता है, यूट्यूब की कंटेंट आईडी क्या होता है। तो अगर आप कंटेंट आईडी यूट्यूब की हासिल कर लेते हैं तो आपको जो है वो फायदा क्या होगा, आपको जो है वो यूट्यूब एक बटन दे देगा जिससे जो है वो आप अपने यानी कि राइट मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दे देगा। अगर साफ सीधा आपको बताया जाए तो राइट मैनेजमेंट का ऑप्शन दे देगा, उससे आपको क्या फायदा होगा, आप किसी भी कंट्री को जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी यानी कि आप कंट्री को ब्लॉक करके मूवीज अपलोड कर सकते हैं, ड्रामाज अपलोड कर सकते हैं। अब आपको ये मिलेगा कैसे, आपको फर्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक अगर तरीके की तरफ जाए तो आपको एक तरीका मैं बता देता हूँ, बहुत ही कम यूट्यूबर ने बताया होगा। एक म्यूजिक चैनल होना चाहिए आपके पास, म्यूजिक चैनल होने के साथ वो म्यूजिक चैनल वेरीफाई भी होना चाहिए। अब वेरीफाई वो कैसे हो जाता है, अगर आपके 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, म्यूजिक चैनल आपका अपना है यानी कि आपकी क्रिएशन जो है वो आप खुद कर रहे हैं, म्यूजिक जो है वो आपका म्यूजिक भी अपना है, उसके बाद जो सॉन्ग चल रहा है वो भी अपना, A to Z आपका कंटेंट अपना है, तो आप जो है वो 10,000 के बाद अपने चैनल को वेरीफाई करवा सकते हैं। वेरीफाई करेगा तो एक म्यूजिक आइकन जो है वो आपके चैनल के साथ लग जाएगी, जब वो म्यूजिक आइकन लगेगी तो आपका चैनल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपको कंटेंट आईडी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ये सीन होता है। अगर आपका ये इतना बड़ा यानी कि झंझट में नहीं जाना तो दूसरा तरीका भी है, सिर्फ और सिर्फ आपने MCN ज्वाइन कर लेना है, कोई अच्छा MCN। अगर आप MCN ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो है वो कंटेंट आईडी मिल जाएगी, कंटेंट आईडी मिल जाएगी तो आप जो है वो राइट मैनेजमेंट पे जाके जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, उसमें जो है वो एक न्यू ऑप्शन आएगा राइट मैनेजमेंट। राइट मैनेजमेंट को आप क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा कौन सी कंट्री को आपने रखना है, कौन सी कंट्री में आपने वीडियो दिखानी है, कौन सी कंट्री को आपने जो है वो ब्लॉक करना है, सारा कुछ जो है वो आपको सामने आ जाएगा। आप किसी भी कंट्री को जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में अगर आप अपनी वीडियो दिखाना चाहें तो उस कंट्री में जो है वो आप वीडियो दिखा सकते हैं। दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी तरीका है म्यूजिक चैनल वाला, उसमें जो है वो आपको अपना कंटेंट म्यूजिक कंटेंट बनाना पड़ेगा, फिर उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, फिर जो है वो उसे वेरीफाई होके जब आएगा देन जो है वो आपको कंटेंट आईडी मिलेगी। दूसरा तरीका है जी MCN वाला, MCN ज्वाइन करवा के आप जो है वो सिंपल कंटेंट आईडी उसी दिन ले सकते हैं और कंटेंट आईडी से आप जो है वो काम भी कर सकते हैं MCN के साथ। दूसरा फायदा भी है, कंटेंट आईडी तो आपको मिलेगी मिलेगी, उसके साथ जो है वो आप अच्छा खासा CPM भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है सारा कुछ समझ लग गया होगा, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आपकी मर्जी है कौन से तरीके पे आप काम करना चाहते हैं। बहुत से यूट्यूबर जो है वो सिर्फ ये क्या उसे कहते हैं जो म्यूजिक की आइकन होती है वो हासिल करके अपने कंटेंट आईडी बना के अपनी मूवीज वगैरह अपलोड करने लग जाते हैं। बहुत से चैनल देखे हैं म्यूजिक कोई जो है वो मूवी नहीं अपलोड करते, कॉपीराइट म्यूजिक अपलोड करने लग जाते हैं जो कि इंडिया में होंगे, इंडिया को ब्लॉक करके पाकिस्तान में चला दिए जाएंगे या फिर स्लो मोशन करके चला दिए जाएंगे, मूवीज अपलोड कर दी जाएगी, ड्रामाज अपलोड कर दिए जाएंगे, हाइलाइट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, न्यूज़ अपलोड कर दी जाएगी, इंग्लिश न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई CPC है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो ये फायदे होते हैं कंटेंट आईडी के। तो उसमें जो है वो अर्निंग एक बहुत ही हाई लेवल पे बूस्ट हो जाती है। अगर कोई बंदा काम करने वाला है तो CPM को भी वो अर्निंग काट जाती है, इतनी अर्निंग बन जाती है और जो है वो उसमें काम भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर देना। कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर लेना। दुआओं में अपने भाई को याद रखना, ढेर सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।